हेलो हेलो हेलो, आई होप माई साउंड इज क्लियर। हेलो हेलो हेलो, साउंड क्लियर आ रहा मेरा एकदम? चलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अन अकेडमी। मैं हूं आपका एडुकेटर गौरव जोशी और आप लोग देख रहे हैं अन अकेडमी का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का यूट्यूब चैनल। मैं आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। आई एम योर केमिस्ट्री एडुकेटर। मैं अन अकेडमी के स्पेशल एज वेल एज प्लस दोनों जगहों पर, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए। और आज का जो मेरा सेशन है ये आप लोगों के लिए है, जहाँ पर मैं आज आपको थोड़ा सा पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊँगा। देखो, पॉलीमर ऑल दो 12th स्टैंडर्ड में काफ़ी पीछे वाला टॉपिक है, यानी लाइक काफ़ी बाद में आता है, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को वो स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ईजी टॉपिक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। तो जल्दी हो जाए तो बढ़िया है, जितना जल्दी ख़त्म कर लोगे उतना बढ़िया है, ईजी टॉपिक्स को जल्दी निपटा देते हैं। तो उससे पहले ज़रा आपको मैं अन अकेडमी के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूं, क्योंकि सिंस आप अन अकेडमी पर पढ़ रहे हो तो आपको अन अकेडमी के बारे में तो पता होना ही चाहिए। अन अकेडमी पर आस्क अ डाउट फीचर है, जिसमें कि आप डाउट पूछ सकते हैं किसी भी लाइव क्लास में। अगर आप अन अकेडमी पर पढ़ाई कर रहे हैं, अन अकेडमी ऐप पर, आई एम टॉकिंग अबाउट अन अकेडमी ऐप, अगर आप अन अकेडमी ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड, जितने चाहे उतने डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा अन अकेडमी पर आपको हाई क्वालिटी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अभी तो लेटेस्ट हमने मराठी भी ऐड कर दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये तीनों लैंग्वेज में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको ये तीन लैंग्वेजेस में मिलेगा। उसके अलावा आप लोग जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं उनका आपको इंस्टेंटली आंसर मिल जाता है, आपके एडुकेटर्स आपके सामने लाइव बैठे होते हैं, आपको उनसे बस मैसेज, एक मैसेज की दूरी पर आपके अनअकैडमी के एडुकेटर्स हैं। उसके अलावा आप लोगों को असिस्टेंस कर सकते हैं आप होमवर्क के लिए एंड बहुत सारे ऑप्शंस के लिए। आप लोगों के पास आस्क अ डाउट फीचर में फ़ोटोज़ भेजने का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आप, अगर आस्क अ डाउट एक फ़ीचर है आपका यहाँ पर, ये देखिए ऐसा, आपकी ऐप पर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर आस्क अ डाउट फीचर मिलेगा। उस आस्क अ डाउट फीचर में जाकर आप एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, वो पिक्चर क्लिक करके आपका जो भी होमवर्क है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्वेरीज आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, और उन क्वेरीज़ का डाउट आपको इंस्टेंटली जल्द से जल्द मिल जाएगा। अब इस आस्क अ डाउट पिक्चर में आपको अगर आंसर चाहिए तो आपको वो फोटोग्राफ में ध्यान से अपने क्वेश्चन को क्रॉप करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उनमें से आपको अपना क्वेश्चन क्रॉप करके एक क्लियर पिक्चर उसकी भेजनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो भी एडुकेटर्स हैं, जो भी आपको डाउट का सॉल्व करके देंगे, वो लोग आपको क्लियर आंसर दे सकें। उसके अलावा आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आता है, ये मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है, तो आप वहाँ पर मैथमेटिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को अगर इसका सोल्यूशन चाहिए या आपको सोल्यूशन मिल चुका है, आप उसके हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द आपके कोई भी डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा अन अकेडमी ऐप पर आपके पास प्लस में बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हैं। अगर आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितने साल का आप लेना चाहें उतना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। पहली बात तो आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड कोर्सेस हैं अन अकेडमी पर जो चलते हैं, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको वो कोर्सेज़ मिल जाएंगे। उसके अलावा इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। देखिए, अन अकेडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे नहीं, जो भी आप एग्जामिनेशन आप एस्पायर करते हैं, जैसे कि आपका जेई का एग्जामिनेशन एस्पिरेशन है, नीट का एग्जामिनेशन अगर आपका एस्पिरेशन है, आप अगर स्टेट सिविल सर्विसेज़ की बात करें तो आप स्टेट सिविल सर्विसेज़ के लिए आप एस्पायर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास UPSC का एस्पिरेशन, आप वो कर सकते हैं, MPSC, NTPSC, दुनिया भर के एग्जामिनेशन है, SSC, जो भी आप एग्जामिनेशन के लिए एस्पायर करते हैं, आप वो एग्जामिनेशन का कोर्स ले सकते हैं, आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, एक से एक बढ़िया टीचर है अन अकेडमी पर पूरे इंडिया के। उसके अलावा आप आंसर राइटिंग सेशंस ले सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पर कवरेज होगा सिलेबस का, मेंटरशिप एंड गाइडेंस का प्रोग्राम चलता है, आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में पता होगा, जहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा एडुकेटर्स के थ्रू। PDF का सपोर्ट आपको मिलता है कि आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं वो सब लेक्चर्स का
पीडीएफ आप लेक्चर के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत एम्पल ऑफ टेस्ट है आपके पास, लाइव टेस्ट सीरीज तो चलती ही रहती है, और बैचेस हैं जिसमें आप एक टीचर का एक बैच चलता है, जैसे मेरा बैच चलता है, उस बैच में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाता हूँ, या हाफ आधे साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर, ऐसे मिक्स बैचेस बहुत सारे चलते हैं। अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपने जिसका भी सब्सक्रिप्शन लिया, जैसे अगर आपने HSC क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो क्लास 12th में जितने भी टीचर्स हैं, उनके जितने भी बैचेस हैं, जितने भी टेस्ट हैं, जो भी चीज़ें आपके पास क्लास 12th में अवेलेबल हैं, आप वो सब एक्सेस कर सकते हैं एक साल तक, मतलब जितने भी टाइम का आपने सब्सक्रिप्शन लिया उतने टाइम तक। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन काफ़ी सस्ता है, अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी जगह से तो अनअकैडमी काफ़ी सस्ते में आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि अनअकैडमी पर आप 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, जैसे आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं मार्च की, आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन आप अज्यूम करें मार्च में है, तो मार्च के एग्जामिनेशन में अभी आपके पास गिन के कुछ 7 से 8 महीने बचे हुए हैं। अब 7 से 8 महीने के लिए आप चाहो तो 6 मंथ्स का भी कोर्स ले सकते हो, या तो 12 महीने का भी कोर्स ले सकते हो, दोनों जितना भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतने टाइम तक आप अनअकैडमी पर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, रिविजन, मेन कोर्स सब कुछ आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 15, 18, 24 जितने भी महीने, अगर आप अभी 11th में हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे 2 साल पढ़ाई करना है, तो आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या 2 साल में नहीं आपको लगता है मैं पहले ही कंप्लीट कर लूँगा सिलेबस, तो आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपके पास जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वैसे सब्सक्रिप्शन लेके अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आपको आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। आइकॉनिक आपको पता होगा कि आइकॉनिक में आप को एक पर्सनल गाइडेंस के लिए मेंटर मिल जाएंगे, वो आपको पर्सनली ध्यान रखेंगे आपके ऊपर, तो आप उनका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आइकॉनिक भी। अनअकैडमी पर फिलहाल 12th स्टैंडर्ड के लिए, क्लास 12th के लिए मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं, जिसमें फुल सिलेबस बैचेस आते हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, ऐसे सारे फुल सिलेबस बैचेस चल रहे हैं, एंड हाफ ईयरली बैचेस भी चल रहे हैं, जिसमें मल्टीपल टीचर्स आपको एक ही सब्जेक्ट आधे साल में ख़त्म कर देंगे आपका सिलेबस। मैं भी ऐसे ही एक बैच का पार्ट हूँ, मेरे बैच का नाम है मेंडलीव बैच। तो जब भी आप अनअकैडमी पर जाएंगे तो अनअकैडमी पर जाके आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम है गौरव जोशी, आपको मेरा बैच मिल जाएगा, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप मुझे प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, एंड मैं जो भी बैचेस में हूँ आप सब वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्पेशल लेक्चर्स देख सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे लेक्चर्स बहुत सारे चलते हैं, आप वो फ्री में लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लस में आ जाइए, प्लस में नो नॉनसेंस पढ़ाई होती है, वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है, स्पेशल लेक्चर्स यू नो बच्चों के लिए होते हैं, मस्ती मजाक, हंसी मजाक सब चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी के लाइव लेक्चर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे साथ, चैट कर सकते हैं, इमोजीज भेज सकते हैं, दुनिया भर के आपके पास ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन टैप करके एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मुझे टाइप करके भी भेज सकते हैं, या चाहे तो आप फोटो खींच के भी भेज सकते हैं, आपके पास अटैच है इमेज का भी ऑप्शन आता है जिसमें आप मुझे फोटो भेज सकते हैं आपके डाउट का, आपका जो भी डाउट होता है वो मैं क्लियर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वन ऑफ द फेमस चीज़ जो है वो ये है MCQ पोल्स, आपके पास पोल्स का ऑप्शन होता है कि आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और मैं उनका पोल दे दूंगा, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ABCD में से, अगर आपका ऑप्शन सही है तो आपका करेक्ट आंसर दिखा देगा, रॉन्ग है तो रॉन्ग दिखा देगा। इसी के बेसिस पे हम लोग यू नो लीडर्स बोर्ड बनाते हैं, तो एक लेक्चर में जितने बच्चों ने सबसे ज़्यादा आंसर दिए, सबसे ज़्यादा कम टाइम मतलब सबसे कम टाइम में जितने ज़्यादा आंसर देंगे बच्चे लोग, उनका लीडर्स बोर्ड बन के आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो टॉप 10 बच्चों को हम लोग अपने लीडर्स बोर्ड पे रखते हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन से टॉप 10 बच्चे हैं उस लेक्चर में। अब अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस कैसे ज्वाइन करते हैं बच्चा लोग, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, आपको वहाँ पर जाके ऐप को ओपन करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, फिर आपको अपना नंबर टाइप करना है, जो भी आपका यूजेबल नंबर है जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिस पे फ़ोन और SMS आते हैं, वो टाइप करने के बाद आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो भी गोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 12, जो भी क्रिएटिव कॉर्नर, जो भी आपका प्रिपरेशन है, फिर आपका जो प्रेफरेबल लैंग्वेज होगा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो आपको स्पेशल क्लास के लिंक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पर स्पेशल क्लास पे जाके आप नोटिफाई मी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना लेक्चर के लिए मुझे नोटिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी लेक्चर आएगा, जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा, तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। अनअकैडमी पर बच्चा लोग टेस्ट सीरीज़ चलती रहती हैं, टेस्ट सीरीज़ में आपको बहुत सारे टेस्ट देने मिलते हैं, और उन टेस्ट का एनालिसिस लेक्चर भी होता है, जिसमें आप लेक्चर्स टेस्ट के बाद वो लेक्चर्स हम एनालाइज करके बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो उस टेस्ट में, आप उस आधे घंटे के एनालिसिस लेक्चर में आपके हमसे मिल सकते हैं, वहाँ पर हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे।
अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चा लोग, लास्ट चीज़ आपकी ये है कि अनअकैडमी पर अभी बढ़िया ऑफर चल रहे हैं, आप अनअकैडमी पर अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। हेलो मिसबा, 12, 15 या 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीना फ्री मिल जाएगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं जीजे सर लाइव, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आपका जो भी अमाउंट होगा, जैसे अगर आपने 10,000 का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपको वो सिर्फ 9,000 में पड़ेगा। दैट इज़ आपका 1,000 रुपये कम हो जाएगा, 10% ऑफ माइनस हो जाएगा। सो मेरा रेफरल कोड बचा लो, मेरा रेफरल कोड है जीजे सर लाइव। तो जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करें, आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको 10% ऑफ वहाँ पर मिल जाएगा किसी भी कोर्स के लिए। एमएससी के लिए कोई कोर्स है, या बीएससी का कोई कोर्स है, जो भी कोर्स है, आप सबके लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। चलो बच्चा लोग, ओके जस्ट ए मिनट बच्चा, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है पॉलीमर। देखिए बच्चा लोग, पॉलीमर चैप्टर जो है वो आपका काफ़ी पीछे चैप्टर है, एक काफ़ी बाद में आता है, ऐसा अभी स्टार्टिंग में नहीं है। मुझे लगता है पॉलीमर चैप्टर काफ़ी सिंपल है, अगर आप स्टार्टिंग में भी कर लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं उसी चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन सिखा दूंगा कि वो चैप्टर का बेसिक स्टार्टिंग कैसे होता है। देखिए पॉलीमर मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, तीसरा मॉलिक्यूल आ गया, चौथा मॉलिक्यूल आ गया, ऐसे सारे मॉलिक्यूल जब एक साथ आ जाते हैं तो बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बन जाता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में आके क्या करते हैं, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको बोला जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। उसे कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो ऐसे जब बहुत मॉलिक्यूल, जैसे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल साथ में आके जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम पॉलीमर। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल साथ में आके क्या बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभी जो पॉलीमर्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हाई होता है। ये मॉलिक्यूलर मास 10^3 से लेके 10^7 डाल्टन तक हो सकता है। ये इसका लिमिट है, इतना डाल्टन तक मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। अब डेली लाइफ में हमारे पॉलीमर के क्या क्या एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे जो आपके एडहेसिव्स हैं, ग्लू, गम, फेविकॉल, ये सब पॉलीमर है, एक तरीके के पॉलीमर हैं। कारपेटिंग, जो आप कारपेट करते हैं, जो कारपेट ज़मीन पर बिछाते हैं, वो सब पॉलीमर में आते हैं। कॉस्मेटिक, जो आप फीमेल्स या मेल्स जो भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, वो सब पॉलीमर में आते हैं। फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, रबर, फैब्रिक, प्लास्टिक, ये सब पॉलीमर का पार्ट है। ये पॉलीमर केमिस्ट्री की वजह से ही आज हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास है जिनको हम यूज़ करते हैं। अगर ये पॉलीमर केमिस्ट्री नहीं होती तो आप लोग शायद बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। हेलो सचिन, जस्ट फॉर स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट टू बिगिन विथ, कि बच्चा लोग आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलीमर, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा एक पॉलीमर है, वाटर, प्रोटीन, अमाइनो एसिड या मिल्क, आपके हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने शायद बायोलॉजी पढ़ा होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ा है तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि बायोलॉजी में भी, बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे पॉलीमर्स होते हैं। अब वो कौन से पॉलीमर होते हैं, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा एक पॉलीमर है, वाटर, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, मिल्क? अगर नहीं आता तो यू कैन स्किप द ऑप्शन, कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। आप नहीं देना चाहें आंसर, आप नहीं दे सकते हैं, तो वीडियो पॉज करो, सोचो, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। तब तक मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन इज एक्चुअली अ पॉलीमर। वो क्या है, एक पॉलीमर है, किसका, अमाइनो एसिड्स का। आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारी बॉडी में कुछ 20-21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सब साथ में आके मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी का मसल बिल्डिंग कंपोनेंट होता है, मसल बिल्ड करके देता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग कंपोनेंट होता है। सिर्फ मसल के अंदर ही प्रोटीन नहीं होता, और भी जगह पे होता है, बट प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग का काम करके देता है। अमाइनो एसिड्स पॉलीमर नहीं है, वो मोनोमर्स हैं। वो क्या है, मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स क्या होता है, मोनोमर का मतलब होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल जो मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। तो मोनोमर से ही बनता है आपका पॉलीमर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अमाइनो एसिड्स दे आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि मोनोमर से बनता है पॉलीमर। वाटर एक पॉलीमर नहीं है, वो तो एक सिंपल मॉलिक्यूल है। मिल्क एक मिक्सचर है, कोलॉइड, जो कि पॉलीमर में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी था। अब ज़रा कुछ पॉलीमर्स के बारे में देखते हैं, ज़रा कुछ पॉलीमर्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉलीमर का क्लासिफिकेशन समझते हैं कि कितने टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉलीमर मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, कैसे बनेगा, वो सब देखेंगे, बट पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा पॉलीमर्स का।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि हमको पॉलीमर कहाँ से मिलेगा और उसका ओरिजिन कहाँ से होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ वो कहाँ से मिलेगा एंड उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू, पहला नेचुरल पॉलीमर. नेचुरल पॉलीमर मतलब क्या, वो पॉलीमर जो आपको नेचर से मिल जाएगा, दैट इज़ एनवायरमेंट से मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला आता है प्लांट पॉलीमर. नेचर में हम हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचर में एनवायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक होता है प्लांट पॉलीमर. ये ऐसा पॉलीमर होता है जो कि आपको नेचर में प्लांट से मिलेगा. प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन का पॉलीमर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉटन एंड लिनन. आपने कॉटन के बारे में भी सुना होगा, ये कपड़े फैब्रिक बनाने के काम आता है, और आपने लिनन के बारे में भी सुना होगा, लिनन भी एक तरीके का फैब्रिक बनाने में काम आता है. ये दोनों के दोनों फैब्रिक बनाने में काम आते हैं, कपड़े बनाने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो है ये नेचर से मिल जाते हैं, दैट इज़ हमको कहाँ से मिल जाते हैं, कॉटन प्लांट से एंड फ्लैक्स प्लांट से कॉटन एंड लिनन मिल जाता है. उसके अलावा नेचुरल रबर, आप लोग यहाँ पर फोटो देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना, ये पेड़ में से कुछ वाइट वाइट टपक रहा है. ये जो वाइट वाइट कलर का फ्लूइड है, दिस इज़ नथिंग बट योर नेचुरल रबर. ये नेचुरल रबर को हम कलेक्ट करके फिर इससे हम रबर बनाते हैं. तो नेचुरल रबर जो है, जो हम रबर हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है पूरा सिंथेटिक. नेचुरल रबर जो होता है वो हमको नेचर से मिलता है, एक पर्टिकुलर रबर प्लांट से, वो रबर प्लांट की बार्क में से, बार्क यानी बाहर के छिलके में से हमें वो रबर मिल जाता है. लेटेक्स, लेटेक्स नाम के पेड़ से हमको वो मिल जाता है. सेकेंड टाइप का पॉलीमर होता है क्या, एनिमल पॉलीमर. नेचुरल में ही सेकेंड चीज़ है एनिमल पॉलीमर, जिसमें आता है वूल. वूल एक पॉलीमर है जो हमको कहाँ से मिलता है, शिप से मिलता है. एंड सिल्क एक पॉलीमर है जो हमको कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है, रेशम का कीड़ा. तो शीप से हमें मिलता है वूल, वूल इज़ अ पॉलीमर, और सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से, जो कि एक पॉलीमर है. ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये सब प्लांट एनिमल पॉलीमर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमें एनिमल से मिलता है. तो अगर आपसे मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, ये सब पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इज इट लिनन, कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक? क्या लगता है आपको, इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, सोच के आंसर बताइए. ऑप्शन ए, बी, डी, ए, बी, सी, डी में से आपको सिलेक्ट करना है. तब तक मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ. देखिए, लिनन नेचुरल पॉलीमर है, कॉटन नेचुरल पॉलीमर है, प्लांट से मिलते हैं दोनों के दोनों, सिल्क आपको एनिमल से मिलता है, प्लास्टिक जो है वो हमें नेचर से नहीं मिलता, वो हम खुद बनाते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है, वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो हम बनाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल मैन मेड पॉलीमर है. डी ऑप्शन वॉज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ओरिजिन, पहला था नेचुरल पॉलीमर, पहला क्लासिफिकेशन वॉज नेचुरल पॉलीमर. नेक्स्ट क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिंथेटिक पॉलीमर. अभी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, देखो नेचुरल पॉलीमर नेचर से मिलता है, तो सिंथेटिक कैसा होगा, जो नेचर से नहीं मिलेगा हम खुद बनाएंगे, जो मैन मेड होगा, ह्यूमन मेड होगा, इंसान बनाता है. तो नायलॉन, टेरेलीन, नियोप्रीन, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं. अभी इनका नाम याद रखो, थोड़े दिन में जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा तो आपको इनका फॉर्मूला, ये कैसे बनते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये सब सीखने मिलेगा. अभी शुरुआत कर रहे हैं हम, तो शुरुआत में आपको कुछ चीज़ें नहीं समझेंगी, बस आपको बाय हार्ट करनी है. जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे तो आपको वो सब सीखने मिल जाएगा कि चेस कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, हम कैसे बनाते हैं, इस्तेमाल कहाँ करते हैं. फिलहाल के लिए हम याद रखेंगे कि सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है सिंथेटिक पॉलीमर. सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, जो कि हम बनाते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, नेचुरल नेचर से नहीं मिलते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. देखो नाम से समझ में आ रहा है, सेमी का मतलब होता है आधा, तो आधा सिंथेटिक होगा और आधा नेचुरल होगा, मतलब ऐसा पॉलीमर जो हमें कहाँ से मिलेगा, नेचर से ही मिलेगा. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नेचर से जैसा मिलता है ना, हमें वैसा चाहिए नहीं, हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है. तो हम उसको मॉडिफाई करके इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये ऐसा पॉलीमर होगा जो नेचर से तो मिलेगा, लेकिन नेचर से मिलने के बाद हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब आधा सिंथेटिक आधा नेचुरल. इनको एक और नाम है रीजेनरेटेड फाइबर्स. इनको एक और नाम क्या है, वी ऑल्सो कॉल देम एज रीजेनरेटेड फाइबर्स. ये सब जो होते हैं ज़्यादातर सेलुलोज के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब ये सेलुलोज से बनते हैं, सेलुलोज का इस्तेमाल करके ये सब बनते हैं, जैसे कि सेलुलोज एसिटेट रेयन, सेलुलोज नाइट्रेट, विस्कोस रेयन, कुप्रा अमोनियम रेयन. तो क्यूप्रा अमोनियम रेयन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस कैटेगरी के, सेमी सिंथेटिक कैटेगरी के, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि क्या होते हैं, सेलुलोज के डेरिवेटिव होते हैं, यानी सेलुलोज से बनते हैं.
अभी जो सेल्युलोस होता है आपको पता होगा, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर। प्लांट सेल का क्या होता है, सेल्युलोस से बनता है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में गायब होती है। तो ये सेल वॉल जो होती है सेल्युलोस से बनती है, इसलिए ये सब ज़्यादातर प्लांट से मिलते हैं हमें। मतलब ये कैसे होंगे, नेचर में प्लांट से मिलेंगे, लेकिन हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस्तेमाल करेंगे। सेमी सिंथेटिक जो होते हैं ना, वो इनका इस्तेमाल होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ इन्फ्लेमेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स। ये फोटोग्राफिक फिल्म्स जो होती हैं, रोल्स होती हैं कैमरा की, जो रोल्स होती हैं, ये सब बनाने के लिए हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं। सिनेमा में जो फिल्म्स बनती हैं, उसके अलावा वार्निशेस जो बनते हैं, ये सब का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या, इन सब के लिए हम क्या, इन सबको किससे बनाते हैं, हम बनाते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है वो कहाँ से डिराइव होता है, फ्रॉम वेयर इज इट डिराइव्ड, तो व्हाट वुड बी योर आंसर, सेल्युलोज, प्रोटीन, ग्लूकोज या फैट्स। ए बी सी डी में से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट कर पाते हैं बहुत बढ़िया, नहीं कर पाते हैं तो वेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो वीडियो पॉज करो, सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ, आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, सेल्युलोज, प्रोटीन, ग्लूकोज या फैट्स। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेल्युलोज। सेल्युलोस है आपका करेक्ट आंसर। मतलब जो भी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहाँ से बनते हैं, ये सब बनते हैं सेल्युलोस से। सेल्युलोस के डेरिवेटिव्स होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहाँ से मिलता है। तो सोर्स के बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप के पॉलीमर थे, एक था नेचुरल पॉलीमर जो नेचर से मिलेगा, एक था सिंथेटिक पॉलीमर जो आपको कहाँ से मिलेगा, हम खुद बनाएंगे, और एक था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक मतलब जो आधा नेचर से मिलेगा, आधा हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। नेचुरल दो टाइप के थे, एनिमल था और प्लांट था, और प्लांट था। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर, पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं लीनियर या तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर। इसमें क्या होगा, जो आपका पॉलीमर होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो एटम्स होंगे वो ऐसा स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होंगे, ऐसे जो भी मोनोमर्स होंगे वो सब साथ में आ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। तो मोनोमर यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल या एक सिंगल यूनिट, वो सिंगल यूनिट साथ में आके क्या बना रहा है, पॉलीमर बना रहा है बड़ा सा। तो ये जो साथ में आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं ऐसे सीधा। तो ये बनता है तुम्हारा लीनियर पॉलीमर। इस पॉलीमर का नाम क्या है, लीनियर पॉलीमर, जिसमें सारे मोनोमर्स एक साथ एक स्ट्रेट चेन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल पीवीसी, पीवीसी पाइप्स सुने होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप्स होते हैं जो कि वाटर सप्लाई में काम आते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब वो पॉलीथीन, वो प्लास्टिक जिससे कि मजबूत कंटेनर्स बनते हैं, जैसे कि आपको ये कंटेनर्स का फोटोग्राफ दिख रहा होगा, ये जो होते हैं ना ये थोड़े से मजबूत होते हैं, इनके अंदर थोड़ा केमिकल्स या कुछ सामान हम रख सकते हैं, जैसे कि ऑयल का डब्बा हो गया, हार्पिक का डब्बा हो गया, ये सब प्लास्टिक से बनते हैं। लेकिन कैसा प्लास्टिक है, ये मजबूत वाला स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, मतलब ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। बाकी आपने दूसरा पॉलीथीन देखा होगा, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं जो हम सब्जी भाजी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं, वो होते हैं आपके लो डेंसिटी पॉलीमर, मतलब वो काफ़ी नाजुक पॉलीमर है। ये जो है ये हाई डेंसिटी पॉलीमर है, मजबूत डब्बे बनाने के काम आता है। सेकेंड टाइप का है आपका ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर यानी उसमें जो मोनोमर्स होंगे वो ऐसा स्ट्रेट चेन में होंगे, ऐसा स्ट्रेट चेन में वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं बड़ा सा, बट साथ में उनका एक छोटा सा ब्रांच भी है, ऐसा साइड में ना छोटा सा एक ब्रांच भी निकला हुआ है ऐसा, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर। हेलो वैभव, गुड मॉर्निंग बच्चा। तो ये हैं आपके ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच चेन, इनमें चेन जो होती है ना ब्रांच के फॉर्म में होती है, ये बनता है। एग्जाम्पल है इसका लो डेंसिटी पॉलीमर, जैसे आप लोग ये प्लास्टिक देख रहे हैं, बारिश के टाइम पे आप लोगों ने ये प्लास्टिक इस्तेमाल किया होगा कभी, अपना पतरा वगैरह ढकने के लिए या सामान को कवर करने के लिए। बाहर अगर आप जाते हैं तो बाहर जो सब्जी भाजी वाले होते हैं ना, बारिश के टाइम पे वो अपनी भाजी सब्जी सामान जो बाहर रखा हुआ रहता है उसको प्लास्टिक से ढक लेते हैं। तो ये जो प्लास्टिक होता है ये हल्का फुल्का प्लास्टिक होता है, ज़्यादा भारी काम करने के लिए नहीं बनता है। तो ये जो प्लास्टिक होता है ये होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो इसी काम के आता है, दैट इज़ वो ब्रांच्ड होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट आते हैं आपके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज व्हाट, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक मतलब जब आपके दो ऐसे स्ट्रेट चेन होंगे, ऐसे मान लो आपके पास एक दो स्ट्रेट चेन है, ऐसा एक चेन है मोनोमर्स का, बहुत सारे मोनोमर्स साथ में, और आपका ये दूसरा चेन है ऐसा जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स साथ में है,
और उन दोनों के बीच में कोई तो एक लिंकेज है, कोई तो एक बॉन्डिंग है ऐसा। तो ये जो बॉन्डिंग हो गया इसको बोलते हैं हम क्या, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। जैसे ये था आपका स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ये है आपका ब्रांच चेन पॉलीमर, आप देख सकते हैं इसमें ब्रांच निकला हुआ है। ये जो है ना ये आपका क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, इसमें मल्टीपल चेन्स के बीच में लिंकिंग है, मतलब बॉन्डिंग है, एक तरीके का ब्रिज है, इसको बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर लीनियर पॉलीमर्स के बीच में लिंकिंग से बनता है। एग्जाम्पल है बेकलाइट मेलामाइन। ये जो बेकलाइट मेलामाइन होते हैं ये एक तरीके के पॉलीमर होते हैं जो कि ऐसा चूड़ी वगैरह बनाने के काम आते हैं। उसके अलावा आपका प्लास्टिक का जो फर्निशिंग होता है उसमें भी काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, जो अंदर इंटीरियर फर्निशिंग होता है उसमें भी काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको बेकलाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा दिख रहा होगा कि कैसे इसमें क्या है, दो चेन है, दो सीधी चेन है बेंजीन वाली, और उनके बीच में लिंकिंग है, उनके बीच में आपस में लिंकिंग है। ये जो है ये आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में आएगा। सो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तीन टाइप के पॉलीमर्स हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्रॉस लिंक्ड। अब अगर आपसे मैं पूछूं लो डेंसिटी पॉलीमर जो होता है या जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रेट चेन का, ब्रांच चेन का, क्रॉस लिंक्ड का या लीनियर पॉलीमर का? हेलो अपेक्षा, गुड मॉर्निंग बच्चा, क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, स्ट्रेट पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीथीन किसके एग्जाम्पल में आता है, किसके टाइप में आता है? जो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रांच पॉलीमर। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्ट्रेट चेन जो पॉलीमर होता है या जो आपका लीनियर पॉलीमर होता है वो तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। नहीं अपेक्षा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लो डेंसिटी पॉलीमर ब्रांच्ड वाले में आता है। ओके और क्रॉस लिंक्ड वाला जो है ये होता है आपका वल्कनाइज्ड रबर। क्रॉस लिंक्ड हम आगे देखेंगे, रबर जो होता है ना आपका वो होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, वो भी देखेंगे। लेट्स बिगिन विद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये थर्ड क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कि कहाँ से मिलता है, सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड अब थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब वो बनता कैसे है, उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो जिस प्रोसेस से पॉलीमर बनेगा उस प्रोसेस के बेसिस पे भी हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है ना वो बहुत फंडामेंटल प्रोसेस है। इस फंडामेंटल प्रोसेस में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल साथ में आके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साथ में आ रहे हैं इनको बोला जाता है मोनोमर्स। इनको क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। ऐसे जब बहुत सारे मोनोमर साथ में आ गए तो क्या बन जाएंगे, वो बड़ा सा यूनिट बन जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे पॉलीमर, मतलब बहुत सारे यूनिट साथ में आ गए तो ये बन गया पॉलीमर। तो लो डेंसिटी वाला मोनोमर टेम्परेचर कुछ पर्टिकुलर यू नो रिएक्शन कंडीशंस में रिएक्ट करके हाई मॉलिक्यूलर वाला पॉलीमर बनता है। सर तुम्ही कुठेल आहात, कुणाल आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस के बेसिस पे तीन टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। फर्स्ट पॉलीमर ऐसा जो एडिशन पॉलीमर होगा, सेकेंड पॉलीमर ऐसा जो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, एंड थर्ड पॉलीमर जो कि रिंग ओपनिंग पॉलीमर होगा। मतलब फर्स्ट प्रोसेस में एडिशन होगा, सेकेंड प्रोसेस में कंडेंसेशन होगा, और थर्ड टाइप का पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस में रिंग ओपनिंग होगा, मतलब रिंग ओपन हो जाएगा। तो ये तीन टाइप के प्रोसेस होते हैं पॉलीमर में, जिस तरीके से तीन प्रोसेस से पॉलीमर बनता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कौन से टाइप के प्रोसेस से पॉलीमर बन रहा है, हमें तीन टाइप के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस याद रखने हैं। तीन टाइप के पॉलीमर होते हैं। सबसे पहला जो पॉलीमर है वो है एडिशन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, आई एम प्रीटी श्योर यू हैव स्टडीड एडिशन रिएक्शन। इन एडिशन रिएक्शन यू मस्ट हैव स्टडीड दैट ए प्लस बी गिव्स यू ए बी, करेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल साथ में आके एक सिंगल मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जब तुम्हारा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना तो उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर।
अब ज़रा पहले पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को समझते हैं। देखो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होने वाला है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में आएगा। जैसे आपके पास ए मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, मान लो एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है इसने किसके साथ में, दूसरे ए मॉलिक्यूल के साथ में, ऐसा एक सिंगल बॉन्ड। मान लो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ऐसा डबल बॉन्ड मान लेते, ठीक है, ऐसा डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसमें जब एक और ऐसा मॉलिक्यूल आ जाएगा, ए डबल बॉन्ड ए, ऐसा मान लेते हैं एक और मॉलिक्यूल आ गया, क्या ए डबल बॉन्ड ए। अब पॉलीमर कब बनेगा, जब ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल साथ में आ जाएंगे, करेक्ट। फिर आगे अगर मुझे और बड़ा पॉलीमर बनाना है तो मुझे एक और ऐसा मॉलिक्यूल लेके आना पड़ेगा, सॉरी ए बॉन्ड ए, ए बॉन्ड ए वाला, सो ए बॉन्ड ए, ऐसा एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा, तीसरा मॉलिक्यूल आ गया, ये भी जब इसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो ऐसे जितने मॉलिक्यूल ऐड होते जाएंगे तब जाके मेरा क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। तो जब बहुत सारे मोनोमर्स साथ में आएंगे तो बनता है पॉलीमर। अब ये मोनोमर्स साथ में आते कैसे, ज़रा ध्यान से देखना। सो ए डबल बॉन्ड ए, फिर आया दूसरा ए डबल बॉन्ड ए, क्या होगा इनके बीच का ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। जब एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कैसे बन जाएंगे, ये बन जाएगा ए सिंगल बॉन्ड ए। अब दोनों का एक एक बॉन्ड टूट गया है तो दोनों का अभी एक एक बॉन्ड बाकी है, जो स्टार्टिंग में उन्होंने आपस में बनाया था ना, दोनों का वो एक एक बॉन्ड बाकी है। सो वन बॉन्ड अभी भी फ्री, देर इज़ वन बॉन्ड फ्री। सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल आया था ये भी टूटेगा, इसका भी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा ए सिंगल बॉन्ड ए, एंड दोनों का आपस में एक बॉन्ड बाकी रहेगा, करेक्ट। अब ये जो सामने सामने वाले मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो कंपाउंड कैसा बन गया, ये बन गया ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए, और जो कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक एक बॉन्ड अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी और मॉलिक्यूल आ सकते हैं, एक और अगर ऐसा ए बॉन्ड ए आया जिसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो वो ऐसा बन जाएगा ए बॉन्ड ए ऐसा। ये दोनों क्या करेंगे, अब आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो मॉलिक्यूल बड़ा हो गया और उसमें अभी भी एक बॉन्ड बाकी है, तो ये आगे और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने में काम आएगा। ऐसे इस साइड से भी मॉलिक्यूल आ सकता है, इस साइड से भी एक मॉलिक्यूल आके बॉन्ड बना सकता है। ऐसे करके ये जो मोनोमर्स थे ना ये आपस में कनेक्ट होते जाएंगे और एक बड़ा सा पॉलीमर बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, बड़ा सा पॉलीमर बन जाएगा। इसका मतलब जब आपका पॉलीमर बनेगा तो उसमें जो डबल बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। जब पॉलीमर बनता है तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और फिर वो सिंगल बॉन्ड आपस में अटैच हो जाते हैं। इसको बोला जाता है एडिशन पॉलीमर। इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्यों एडिशन बोला इसको मैंने, क्योंकि क्या दिख रहा है आपको, एक मॉलिक्यूल आया दूसरे में ऐड हो गया तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, फिर और नए मॉलिक्यूल आए वो इस वाले मॉलिक्यूल में ऐड हो गए और बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। सिर्फ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो रहा है, कुछ बाहर निकल रहा है क्या, नहीं, सिर्फ एडिशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, दैट इज इट इज़ एन एडिशन पॉलीमर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो जब ये पॉलीमराइज होगा तो मतलब इसमें एक और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा, दोनों का एक एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों का इसका भी एक बॉन्ड बाकी, और ये देखो ये भी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका भी एक बॉन्ड बाकी और इसका भी एक बॉन्ड बाकी। अब क्या करेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब तुम जब एक और CH2 ऐड करोगे, मतलब एक और इथीन का मॉलिक्यूल ऐड करोगे, ये इथीन है, ये इथीन है, जब तुम एक और इथीन का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक और इथीन का मॉलिक्यूल आएगा, उसके बीच का भी बॉन्ड टूटेगा, तो ये आपस में यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, इसका एक बॉन्ड यहाँ पर खाली, फिर एक और मॉलिक्यूल आएगा इथीन का CH2 ऐसा, फिर इसमें एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा CH2, ये साइड से भी तो मॉलिक्यूल आ सकते हैं CH2 ऐसा। मतलब क्या दिख रहा है कि मॉलिक्यूल का चेन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साथ में आएंगे, अब n मतलब हमको नहीं पता कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बड़ा पॉलीमर बनाना है तो बड़ा चेन बनेगा, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब साथ में आएंगे और क्या बनाएंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो क्या बनेगा, ये बड़ा सा पॉलीमर बनेगा। बट अब ये बड़ा सा पॉलीमर मैं लिख तो सकता नहीं हूँ ना, स्ट्रक्चर आई कैन नॉट राइट द स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, तो मैं कैसे लिख दूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि देखो आपको दिख रहा है ये हर पूरे मॉलिक्यूल में ये जो चीज़ है इतना इतना स्ट्रक्चर ये बार बार रिपीट हो रहा है,
जैसे आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा ना, यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। जब यूनिट सेल बार बार रिपीट होता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। वैसे ही आपको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है, छोटा सा पार्ट है, यही देखो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी देखो, ये भी देखो, ये देखो, इसी के बार बार रिपीट होने से क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो पार्ट है, ये एन टाइम्स रिपीट होगा, ऐसा एन टाइम्स आएगा, तो जाके क्या बनेगा, पूरा का पूरा पॉलीमर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या करना होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड डाल दो, और जहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ा उसके मॉलिक्यूल के आजू बाजू में एक सिंगल बॉन्ड दिखा दो, ऐसा। तो ये आपका बन गया पॉलीमर, दिस इज़ योर पॉलीमर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया पॉलीमर कैसे बनता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो रहा है, फिर एक और मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक ऐड हो जाते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड आपने देखा मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एल, ऐसा। अब सोचो अगर इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बचेगा, और दोनों साइड में एक एक बॉन्ड खाली आ जाएगा, ऐसा। तो इसका मतलब आगे और बॉन्ड बन सकते हैं। तो इसका पॉलीमर कैसे बनेगा, पॉलीमर का सिंपल सा रूल क्या था, डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड डाल दो, तो क्या बन जाएगा, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच, जिसके यहाँ पर क्या रहेगा, एक सी एल रहेगा, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली, यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली, इसको ब्रैकेट करके डाल दो एन। सो जब तुम एन नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड लोगे तो वो एक के बाद एक चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे, एक के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया वो क्या था, इथीन का था। इथीन से हम लोग क्या कर रहे थे, इथीन को कनेक्ट कर करके हम मॉलिक्यूल बना रहे थे पॉलीमर, उसको बोला जाता है पॉली इथीन। पॉली इथीन कैसे लिखेंगे, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, कैसा बनेगा, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली, यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली, और ये कितनी बार रिपीट होगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा। तो एन नंबर ऑफ टाइम्स यही मॉलिक्यूल जब बार बार रिपीट होगा तो बनेगा पॉलीमर। तो उसके लिए मुझे कितने इथिन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, एन इथिन के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तो बनेगा आपका पॉली इथिन। क्या बनेगा आपका, पॉली इथिन। ये क्या था, विनाइल क्लोराइड था, विनाइल क्लोराइड से क्या बनेगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, इसी को बोला जाता है पीवीसी, इसी को क्या बोलते हैं प्यार से, पीवीसी। सो एडिशन पॉलीमर से जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो कैसे होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, दे फॉलो हाई, और इनके फॉर्मेशन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। सो ये होता है आपका एडिशन पॉलीमर का प्रोसेस, करेक्ट। अभी जो एडिशन पॉलीमर होता ना, ये एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म से बनता है। एडिशन पॉलीमर का जो मैकेनिज्म होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे कॉमन मैकेनिज्म का मतलब एक कॉमन तरीका है एडिशन पॉलीमर बनाने का, दैट इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मोस्ट कॉमन। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, उसके लिए आपको फ्री रेडिकल पता होना चाहिए। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, आप ज़रा समझते हैं इसको, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। देखो जब भी ये कार्बन बॉन्ड कार्बन ऐसा है, दोनों का जो ये सिंगल बॉन्ड है किससे बनता है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और अलग हो जाए, तो ये कार्बन अलग, क्योंकि दोनों के बीच का बॉन्ड टूट गया, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और चले गए, तो क्या बनता है, कार्बन विद एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऐसा बन जाएगा। ऐसे कितने एटम बनेंगे कार्बन के, दो एटम बनेंगे, करेक्ट। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कार्बन का बॉन्ड टूटा तो ऐसे दो कार्बन के एटम बन गए जिनके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशी होता है, इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अब देखो ये कार्बन अकेले तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली इनके साथ में तीन हाइड्रोजन भी तो होंगे ना, ऐसा इसके पास भी तो तीन हाइड्रोजन होंगे ऐसे। तो ये क्या था, इथेन का मॉलिक्यूल था। तो जब दोनों का बॉन्ड टूटा तो ऐसे कितने रेडिकल जो बना वो कैसा दिखेगा, CH3 विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल फ्री रेडिकल, करेक्ट।
फ्री रेडिकल के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता है वो उसी का होता है, बस बॉन्ड नहीं किया उसने किसी के साथ में, वो उसी का इलेक्ट्रॉन है। पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रहा था, अब कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन अब खाली बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयड। तो ये इलेक्ट्रॉन अनएम्प्लॉयड इलेक्ट्रॉन जो होता है यही होता है आपका फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल बनाने के लिए होना चाहिए होमोलाइसिस, क्या होना चाहिए, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस का मतलब होता है बॉन्ड का ऐसा ब्रेकिंग जिसमें कि बॉन्ड टूटने के बाद दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली चला जाए। कोई यहाँ पर अब शांत पट्टी ना करे कि दोनों इलेक्ट्रॉन मैं रख लूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों आपस में बराबर बराबर के इलेक्ट्रॉन रख लें, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों रख लेने चाहिए, तो बनता है होमोलाइसिस, तो उसको बोलते हैं होमोलाइसिस। एंड होमोलाइसिस से क्या बनता है, होमोलाइसिस से बनता है फ्री रेडिकल। सर व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, अमन बच्चा ये क्लास ट्वेल्थ है, दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास ट्वेल्थ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आप क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अगर नहीं पता है तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, होमोलाइसिस हुआ मतलब दोनों ने ऐसा बॉन्ड तोड़ा कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल होने के लिए जो दो एटम्स हैं ना दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होने चाहिए। अगर ऐसा है कि कार्बन के साथ में क्लोरीन है तो क्लोरीन जो होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन बहुत शाना है, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्लोरीन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके Cl- माइनस बन के कटायन बन के चला जाएगा और बेचारा हमारा कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रॉन ले गया क्लोरीन। तो ये होमोलाइसिस नहीं है, ये है हेटरोलाइसिस। हेटरोलाइसिस में क्या होता है, अनइक्वल तरीके से बॉन्ड टूटता है। तो इक्वल तरीके से अगर बॉन्ड तोड़ना है तो दोनों साइड में एटम इक्वल पावर वाले होने चाहिए। अगर एक भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो क्या करेगा, अपने साथ में इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो होमोलाइसिस के केस के लिए हम लोग ज़्यादातर ऐसे एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं जिनके अंदर दो कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में बनता हो, जैसे कि परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पता है तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, देखो ऐसा क्या दिख रहा है इसमें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड में जो एटम्स हैं वो इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए या छोड़ के चला जाए, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, होमोलाइसिस। इसीलिए ज़्यादातर हमें फ्री रेडिकल अगर बनाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, परऑक्साइड्स को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, परऑक्साइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ा ही फेमस ऑक्साइड है परऑक्साइड, जिसको बोला जाता है बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड कैसा दिखता है, बेंजीन का रिंग होगा ऐसा, बेंजीन रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ और फिर एक बेंजीन रिंग दिख रहा है, ये भी आपका एक परऑक्साइड है। क्यों परऑक्साइड है, क्योंकि इसमें भी देखो ओ बॉन्ड ओ दिख रहा है, जहाँ पर भी ओ सिंगल बॉन्ड ओ दिखेगा मॉलिक्यूल में ज़्यादातर वो परऑक्साइड्स होते हैं, और दोनों साइड में एक ही तरीके के एटम होने चाहिए। जैसे देखो ऑक्सीजन के ये साइड में हाइड्रोजन था, वो साइड में भी हाइड्रोजन था, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक ही टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो ये है आपका परऑक्साइड। अब परऑक्साइड एक बार मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ, परऑक्साइड है तो क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस होगा मतलब क्या, ये बीच का जो ये बॉन्ड है ये टूटेगा, जब ये बीच का बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और क्या बनेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, अब बनता है बेंजोइल फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, बेंजोइल फ्री रेडिकल। बेंजोइल फ्री रेडिकल कैसा दिखेगा, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके ऊपर ओ और ओ के पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन है, ये सब ये बेंजीन है, सॉरी मैंने यहाँ पर सर्कल नहीं दिखाया, ये बेंजीन है सब। तो बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ और एक फ्री रेडिकल, अब ये क्या होगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है काफ़ी अनस्टेबल होता है तो ये डीकम्पोज हो जाता है, और जब ये डीकम्पोज हो जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा। दिख रहा है ये जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, CO2 इतना पार्ट CO2 बन के निकल जाएगा, और क्या बचेगा, ये जो फ्री रेडिकल है ये किस पे आ जाएगा, बेंजीन पे आ जाएगा, ऐसा ऐसा।
ये है आपका फिनाइल फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल फ्री रेडिकल, समझ में आया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन समझा। तो आपका जो एडिशन प्रोसेस होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होगा, उसमें ये फ्री रेडिकल बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होता है। तो ये फ्री रेडिकल बनने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि फ्री रेडिकल कब बनता है, कब बनता है, होमोलाइसिस से बनता है। होमोलाइसिस क्या होता है, जब बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में ऐसा टूटता है कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन वापस चला जाए, उनका जो उन्होंने शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाया था उसका इलेक्ट्रॉन वापस चला जाए, इससे बनेगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है परऑक्साइड्स का इस्तेमाल करना, जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वैसे केमिस्ट्री में बेंजॉइल परऑक्साइड होता है एक ऐसा, ये जो बेंजॉइल परऑक्साइड होता है ये क्या करता है, ये आपको फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब हमने इस प्रोसेस में, बेंजॉइल फ्री रेडिकल नहीं यूज़ किया है, हमारा जो केमिस्ट टेक्स्ट बुक बोलता है, टेक्स्ट बुक में हमने बेंजॉइल फ्री रेडिकल नहीं, हमने यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो केमिकल प्रोसेस है मतलब रिएक्शन जो दिया है उसमें उन लोगों ने एसिटाइल परऑक्साइड यूज़ किया हुआ है। बट एज रिटन आप बेंजॉइल परऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, एसिटाइल परऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, टर्ट ब्यूटाइल परऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, प्रोसेस सब में सेम होगा। जहाँ पर हमने बेंजीन रखा था वहाँ पर अब क्या है, CH3 है बस, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। तो वहाँ पर हमको क्या मिल रहा था, बेंजॉइल परऑक्साइड, सॉरी अपने को फिनाइल फ्री रेडिकल मिल रहा था। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा, क्या मिलेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है यही आपका क्या करने वाला है, आगे जाके पूरा पॉलीमराइजेशन करवाने वाला है, पॉलीमराइजेशन करवाएगा। अब ये कैसे कराएगा पॉलीमराइजेशन, ज़रा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना, इस चीज़ को ध्यान से समझ के ट्राई करना। तो पहला प्रोसेस क्या होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन में, द फर्स्ट प्रोसेस इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन मतलब आपका प्रोसेस का इनिशिएशन होगा, मतलब स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के लिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो कैसे बनता है, परऑक्साइड से बनता है। अब जो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बना, अब ये करेगा सारा कारनामा, क्या कारनामा करेगा ये ध्यान से सुनना। आपके पास है मान लो इथीन, ये है आपका इथीन CH2CH2, ठीक है, इसमें आपने डाल दिया मिथाइल फ्री रेडिकल, ऐसा CH3 फ्री रेडिकल डाल दिया। अभी जो फ्री रेडिकल है ना, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मचल रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मचल रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाके इस CH2 को बोलेगा, बात सुन मेरी, क्या तू वो CH2 के चक्कर में पड़ा है, मेरे साथ बॉन्ड बना ले, क्या कर, मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो CH2 क्या बोलता है, बात तो सही है, तेरे साथ बॉन्ड बना लेता हूँ मैं, तू CH3 है, तेरे पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तू बढ़िया है। तो CH2 क्या करता है, CH2 यहाँ पर अपना एक बॉन्ड तोड़ देता है, CH2 अपना एक बॉन्ड तोड़ देता है, कैसा, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस करके अपना एक बॉन्ड तोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा, और एक बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास आ जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये CH3 और वो CH2 मिलके क्या करेंगे, अपना ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करके आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे ऐसा। तो ये वाला CH3 जो फ्री रेडिकल था, ये CH3 और ये वाला CH2 जो खुद भी एक फ्री रेडिकल बन गया था, दोनों ने आपस में क्या किया, अपना फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके आपस में एक बॉन्ड बना लिया। लेकिन इस चक्कर में जो ये CH2 है ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से आपका चेन इनिशिएट हुआ, मतलब आपके मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया, मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया, इथीन के मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल का अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले CH3 पे था, अब वैसा फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन किस पे आ गया, ये मॉलिक्यूल पे आ गया। मतलब आपका कैसा मॉलिक्यूल बनेगा जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ज़रा हटा देता हूँ ये सारी चीज़ें, अब अच्छे से समझते हैं इसको, प्रोसेस समझ में आ गया ना। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, उसमें जैसे ही आपने एक मिथाइल फ्री रेडिकल ऐड किया, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करता है, CH3 ये CH2 के साथ में बॉन्ड बना लेता है, CH2 के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सामने वाला जो CH2 है वो बन जाएगा फ्री रेडिकल, क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये आगे का पूरा काम करेगा। तो यहाँ पर आपका चेन इनिशिएट हो गया, कैसे, फ्री रेडिकल के बनने से। अब स्टार्ट हो रहा है आपका चेन का प्रोपोगेशन, चेन का क्या, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मंजे का है, चेन जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है ना, आगे जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। तो यहाँ पर अब चेन आगे बढ़ेगा, देखो मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया, इथीन मॉलिक्यूल के अंदर फ्री रेडिकल बना दिया। अब ये जो मॉलिक्यूल बना ना, ये देखो क्या बना, CH3 CH2
CH2 फ्री रेडिकल, ये एक और इथिन मॉलिक्यूल के पास जाएगा, ऐसा एक और इथिन मॉलिक्यूल के पास जाएगा। हमारे पास तो बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल है, पॉलीमर में बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या करेगा, ये इथिन मॉलिक्यूल CH2 क्या करेगा, इस CH2 को बोलेगा कि तू अपना बॉन्ड तोड़, मेरे साथ बॉन्ड बना। तो ये वाला CH2 जो अभी हमारे पास इधर CH2 है, ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ के ये CH2 के साथ में अपना फ्री रेडिकल का इस्तेमाल, अपना एक इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से जो बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन ये CH2 के पास गया था और एक इलेक्ट्रॉन ये CH2 के पास आ गया, तो देखो एक और CH2, ये CH2 क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। आपको नहीं लगता, आप देखो चेन और लंबी हो गई और फ्री रेडिकल तो है ही अपने पास। अब इसमें अगर एक और CH2 का मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो ये CH2 का मॉलिक्यूल और ऐड हो जाएगा इसमें, तो और लंबा चेन हो जाएगा और ये वाला CH2 जो है ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। ऐसे जो चेन है ना ये आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आगे और बढ़ती जाएगी। तो जब और बढ़ेगी तो अगला मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, ये देखो कैसा बनेगा अगला, नेक्स्ट मॉलिक्यूल विल लुक लाइक ऐसा। ये CH2 के पास फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन था ना, ये यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा और ये CH2 क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये CH2 क्या करेगा, फ्री रेडिकल बनाना, ये आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के उसके CH2 को फ्री रेडिकल बना देगा। ऐसे करते करते ना ये पूरा चेन बढ़ने वाला है, लंबा हो जाएगा चेन। इस स्टेप को बोला जाता है चेन प्रोपोगेशन। ये स्टेप क्या है, चेन प्रोपोगेशन। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप वॉज चेन इनिशिएशन। द फर्स्ट स्टेप वॉज चेन का इनिशिएशन बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल के बनने के बाद अब क्या हो रहे हैं, नए नए रेडिकल बन रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, नया रेडिकल बन रहा है, कौन सा, CH2 वाला। CH2 वाला एक नया रेडिकल बना। अब ये CH2 वाला रेडिकल क्या करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, अपना जो ये रेडिकल है ये आगे बढ़ता जाएगा और बड़ा सा चेन बनता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, चेन का प्रोपोगेशन हो रहा है, चेन आगे बढ़ रही है, बड़ी होती जा रही है। अब कब तक बड़ी होती रहेगी ये, जब तक तुम इसमें इथिन के मॉलिक्यूल डालते रहोगे ना तब तक ये चेन बड़ा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही, और लंबा मॉलिक्यूल बनता रहेगा, लंबा सा मॉलिक्यूल बनता रहेगा जब तक तुम इसमें छः इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते रहोगे तब तक। तो जब तक इसमें तुम मिथाइल का मॉलिक्यूल ऐड करते रहोगे, दैट इज़ आपके इथाइल का मॉलिक्यूल ऐड करते रहोगे, ये चेन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लास्ट में रोकना भी पड़ेगा इसको कहीं पे। तो रोकने का क्या तरीका है हमारे पास, दैट इज़ टर्मिनेट करने का क्या तरीका है। टर्मिनेट करने का दो तरीका है, देखो पहला तरीका, लास्ट स्टेप होता है इसमें चेन टर्मिनेशन, चेन को रोकेंगे कैसे। तो थर्ड स्टेप इज़ टर्मिनेशन, ये चेन एक लेंथ तक बढ़ने के बाद हमें इसे रोकना है। टर्मिनेट कैसे करोगे, पहला तरीका है कि तुम इथाइन का मॉलिक्यूल, जो इथिन हम डाल रहे हैं ना, इथिन वो डालना ही बंद कर दो, इथिन का मॉलिक्यूल डालना बंद कर दो। देखो इथिन नहीं आएगा तो नया फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, नया फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो चेन आगे नहीं बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट का एडिशन बंद कर दो, रिएक्टेंट को ऐड करना ही बंद कर दो। सेकेंड तरीका क्या है हमारे पास, या तो तुम इसमें एक फ्री रेडिकल डाल दो, एक फ्री रेडिकल डाल दो। जैसे हमारा मॉलिक्यूल था, क्या था, ऐसा बन रहा था ना, CH3 फ्री रेडिकल क्या कर रहा था, एक इथाइल जो था, इथिन जो था, इथिन को कन्वर्ट कर रहा था किसमें, फ्री रेडिकल में, ऐसा। फिर ये इथिन का रेडिकल क्या कर रहा था, आगे जो इथिन आएगा उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर रहा था। तो आगे एक और ऐसा बन जाएगा CH2 विद अ रेडिकल, ये वाला रेडिकल गायब हो जाएगा, वहाँ चला गया। मान लो अगर इसके सामने मैं एक मिथाइल का रेडिकल ऐड कर दूँ, इसके सामने मैं एक मिथाइल का रेडिकल ऐड कर दूँ, अब क्या होगा, अब ये CH2 इस मिथाइल के रेडिकल के साथ, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है, CH2 के पास है, एक इलेक्ट्रॉन ये मिथाइल के रेडिकल के पास है, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कोई नया रेडिकल बना क्या, नहीं बना, मतलब चेन यहीं पे स्टॉप हो गया। क्यों, हमने क्या किया, रेडिकल का फॉर्मेशन ये स्टॉप कर दिया। रेडिकल कब फॉर्म हो रहा था, जब तुम एक इथिन का मॉलिक्यूल ऐड कर रहे थे। अगर तुम मीथिन ऐड करोगे तो नया रेडिकल बन जाएगा, बट अगर तुम एक फ्री रेडिकल को ऐड कर दोगे तो रेडिकल बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन। बस कर, बंद कर, बस हो गया। संकेत अपना काम कर, निकल ले चुपचाप, नहीं देखने का है तो वो बैक वाला ऑप्शन है ना उधर, वो बैक का बटन दबाएगा ना तो मेरा वीडियो बंद हो जाएगा। अपने काम से काम रखने का, बस सिंपल। थोड़ा मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है।
सो दिस वॉज योर फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, हेलो प्रेरणा. चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं. एनी वेज 11 बज गए, एक घंटा हो गया है, सॉरी 12 बज गए, एक घंटा हो गया है. हमने 10 बजे, सॉरी 11 बजे शुरू किया था, अब 12 बज गए. ओके अच्छा, तुमको अगर नहीं देखना होता है तो एक फ़ोन पे या पीसी पे ना बैक का बटन होता है, वो दबाओगे ना लाइफ एकदम सुकून में हो जाएगी. चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज़ योर कंडेंसेशन पॉलीमर. इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. ठीक है, बाय संकेत, अच्छा लगा तुम आए, अब जाओ. चलो टेक केयर बच्चा लोग, गुड डे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. बाय द वे, अन अकेडमी जैसा मैंने बताया, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन वॉच माई फ्री लेक्चर्स ऑन अन अकेडमी. आपसे मिलते हैं लेक्चर्स में. हेलो श्रेया, अरे आप आए, अच्छा लगा. चलो बाय बाय.